शिक्षक बंधु, जब हम अपने कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हैं तो अक्सर हम लोगों के सामने कुछ समस्याएं आ जाती हैं। किसी पाठ को स्पष्ट रूप से समझाने में हमें कुछ दिक्कतें आती हैं या बच्चे उस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते। तो आज हम हमारे साथ में गोविंद जी, बाल गोविंद जी और सुमनलता जी आई हुई हैं। तो आज हम लोग बल, गति बल और यंत्र, जो कक्षा 6 का अध्याय है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से बच्चों को कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं और किस तरह से हम बताएं कि उनको वो समस्याएं ना आए। तो बाल गोविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पाठ है कक्षा 6 का, इसमें आपने अक्सर क्या देखा है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, बच्चे किस चीज को ठीक से नहीं समझ पाते हैं? बच्चे समझ नहीं, बलों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। बल क्या है? पहला प्रकार बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जी जी, जो विभिन्न प्रकार के जो बल हैं उनमें वो अंतर नहीं, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि पेशीय बल है या वो चुंबकीय बल है या कौन सा बल उस पे कार्य कर रहा है। बिल्कुल ठीक। देवसुदन जी, एक और प्रॉब्लम आती है, बच्चे विभिन्न प्रकार के यंत्रों और मशीनें, जो साधारण मशीनें हैं, उसमें भी अंतर नहीं स्पष्ट समझ पाते हैं। जी जी, विशेष करके उत्तोलक के प्रकारों को समझ। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो उत्तोलक के प्रकार हैं वो प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के और तृतीय प्रकार के कहाँ पर आयास है, कहाँ पर आपका आलंब है और कहाँ पर कार्य हो रहा है या कैसे बल कार्य कर रहा है, ये थोड़ा सा समस्यात्मक देखी गई है बच्चों को। तो चलिए हम बल से ही शुरू करते हैं। तो एक विज्ञान एक विषय ऐसा है जिसमें हमें अनुभव कराना बहुत जरूरी है, और बल एक ऐसी चीज है जो कि हम दिखाई नहीं देते। उसके परिणाम को तो हम देखते हैं जी जी। लेकिन बल स्वयं में नहीं दिखाई देता, वो अनुभव करने की चीज है। तो बच्चों को बल को अनुभव कराना बहुत जरूरी है। यदि आप कोई भी वस्तु ले लें, जैसे यही है, इस को हम धक्का दें या खींचे, तो इसमें बच्चों को अनुभव करने दे कि कुछ कार्य हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। सुधन जी, प्रॉब्लम ये आती है कि जब दबाव डाला जाता है जी, बच्चों को कैसे स्पष्ट किया जाए कि ये कौन सा दबाव है, किस प्रकार का बल लग रहा जी है? जी बिल्कुल। जैसे बल अगर दबाव का जो है अगर लगाया जा रहा है, तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हम एक स्पंज ले लेते हैं और उस पर दबाव डालने के लिए कहते हैं बच्चों को, तो उसके आकार में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो हम ये स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि स्पंज के आकार में परिवर्तन हुआ, ये बल है। बल दो तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो जो वस्तु है उसकी स्थिति, चाहे वो गति में हो तो उसको रोक करके, और अगर स्थिर है तो उसको गतिमान करके हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इस पे बल लग रहा है। और आकार में यदि परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को स्पष्ट करने के लिए बल गतिमान वस्तु की दिशा परिवर्तन कर सकता है या स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है, और बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं बच्चों के बल क्या है। अब इसके बाद जो बात आती है हमारी, के बल के प्रकारों की बात अगर हम करें, तो कई प्रकार के बल होते हैं। अगर हम पेशीय बल से शुरू करें कि पेशीय बल क्या है, तो बाल गोविंद जी आप बताएं पेशीय बल को कैसे आप स्पष्ट कर सकते हैं? मधुसूदन जी, बच्चों के लिए सब पेशीय बल स्पष्ट करने के लिए 4 ईंटें लेते हैं। चलिए 4 ईंटें। जी जी, उनको ऊपर नीचे रखते हैं। जी जी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसको बार बार। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को अभ्यास कराएं कि ईंटों को मेज के ऊपर रखाया और फिर नीचे उतारा है, तो उनको अनुभव हो रहा है। तो जो बच्चों के पेशियों के द्वारा बल लग रहा है जी जी, तो उनके पेशियों में दर्द शुरू होगा। बिल्कुल, जब दर्द होगा तो उन्हें एहसास होगा कि ये पेशीय बल है। बिल्कुल बिल्कुल, कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, तो इनको जो है उसको, वो पेशीय को दर्द हुआ वो बल कार्य किया, क्योंकि बल लगाया उन्होंने इसीलिए पेशियों में दर्द हुआ, तो वो पेशीय बल को अपने शरीर से जोड़ करके याद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि वो जब तक अनुभव नहीं करें, मैं बार 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 यही कह रहा हूं कि इसमें अनुभव कराने की बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पेशीय बल को अपने पेशियों से वो जोड़ करके याद कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि हम गुरुत्वीय बल को स्पष्ट करना चाहें सुमन जी, तो उसको आप कैसे अनुभव करा सकते हैं? ऐसे कि बच्चों को कोई वस्तु या बॉल, कुछ ऐसी चीज दे दी जाए जो वो ऊपर उछाले। जी जी, जो वो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उनमें बल लगेगा। और जब नीचे वो वस्तु आने लग जाएगी या बॉल आने लग जाएगी, उसमें बल नहीं लगेगा। जी जी। तो बच्चों को ये एहसास करना, ये अनुभव करना है कि जो नीचे अपने आप वस्तु या बॉल आ रही है
तो वो कौन सा बल है? तो जी जी जी, उस तरह से हम गुरुत्वीय बल की बात कर सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी जो है हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वही जो आकर्षण बल है उसका वही गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो ये भी हम अनुभव के द्वारा बता सकते हैं कि कोई भी चीज हमने ऊपर बच्चों को फेंकवाई और बच्चे खुद अपने कई प्रकार के खेल खेलते हैं तो उसमें अनुभव करते हैं कि वस्तु ऊपर जाने के बाद नीचे आती है, तो कोई शक्ति है, कोई बल है जो उसको खींच रहा है और उनको स्पष्ट करने का मौका दे कि यही आपका बल गुरुत्वीय बल है। या जैसे कि पहले हमने पेशीय बल बताया था कि वो ईंटे को उठा रहे हैं तो एक बल है जिसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो जी। तो वो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध में ही बल लगा रहे हैं, तो ये भी उनको अनुभव कराने की चीज है। और इसके बाद अगर हम चुंबकीय बल की बात करें बाल गोविंद जी, तो चुंबकीय बल का सबसे अच्छा तरीका एक है कि हम चुंबक लेते हैं। जी 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 जी, चुंबक का अगर ले लें हम, क्षण चुंबक ले लेते हैं और ये है कील का टुकड़ा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा रखें, यहाँ पर रख करके स्पर्श करने का प्रयास करें। कील का टुकड़ा इसको यहाँ से खिसकाएंगे नहीं पड़ेगा जी जी, अपने पास रखा है। चुंबक के साथ अगर खींचेंगे तो आराम से खींच लिए। अच्छा बिल्कुल, देखिए अब वो वस्तु अपने पास अपने आप रखी हुई थी और आपने चुंबक को ले जा करके, ये चुंबक आपने चुंबक का अगर आपको चुंबकीय बल का अगर अनुभव कराना है तो ये तो नितांत आवश्यक है कि आपको चुंबक तो बच्चों के पास लेके जाना पड़ेगा और उनको ये दिखा करके, अगर विपरीत अगर ये आपके ध्रुव है तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षण बल का लगता है इन पे, और अगर ये जो है समान अगर ध्रुव आ जाते हैं तो ये प्रतिकर्षित करने लगते हैं, तो ये अनुभव करेंगे बच्चे और ये चुंबकीय बल जो आपका प्रतिकर्षण बल है ये इतनी अच्छी तरह से अनुभव होता है कि बच्चे इसको बल को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये एक अनुभव ऐसा है जो बल को स्पष्ट रूप से अनुभव दे देता है। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल को भी स्पर्श कर सकते हैं अनुभव के द्वारा। देव सुदन जी ये बताएं कि घर्षण बल कैसे समझाएंगे बच्चों को? जी जी जी, सुमनलता जी ये बिल्कुल सही बात कही कि घर्षण बल को अनुभव कराने के लिए जो है बच्चों को हम एक काम कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो तल हैं उनको, जैसे दीवार है और कांच की एक पट्टी है जी, उनको हाथ को रगड़ने दें। जब वो रुक्ष तल पे हाथ रगड़ेंगे तो उनको ज्यादा एक अलग एहसास होगा और कांच के ऊपर जब हाथ को रगड़ेंगे तो एक अलग एहसास होगा। तो दोनों में उनको स्पष्ट कीजिए कि जो दो तल हैं उनको जब आपस में गति करते हैं या उनको रगड़ते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है जो कि घर्षण बल। घर्षण बल है तो ये आप घर्षण बल भी चूंकि दिखाई देने वाली चीज नहीं है उसको अनुभव ही कर सकते हैं और ये एक अपने द्वारा अनुभव किया गया जो चीज है वो बच्चों को जरूर समझ में आएगा, वो कभी भूलेंगे नहीं वो। बिल्कुल, ये चूंकि अनुभव एक ऐसी चीज है जिसे कभी भूल नहीं सकते नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम इन चारों बलों को बच्चों को बता सकते हैं कि ये पेशीय बल है, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल। इन चारों को बच्चों को अनुभव करा करके हम बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे बल होते हैं जो कार्य करते हैं। और इसके पश्चात जो है, जैसे कि सुमन आपने कहा था कि उत्तोलक में जो है बच्चों को ज्यादा समस्या आती है, जो सरल मशीनें होती हैं वो समझ में कम आती हैं, तो उनको स्पष्ट करना है कि जो भी चीज जिससे हम सरलता पूर्वक कार्य कर लेते हैं वो मशीन होती है, चाहे वो चाबी क्यों ना, एक छोटी सी चाबी है और उसको हम ताले के अंदर सही जगह पर डाल करके घुमाते हैं तो ताला एकदम से खुल जाता है, ऐसे नहीं खुल सकते, हम बहुत बल लगाएंगे तब भी नहीं खुलेगा। तो ये बच्चों को ये भी चीज एक अनुभव की है कि बच्चों को बताएं कि किस तरह से एक छोटी से छोटी चीज हमारे यंत्र के रूप में कार्य करती है। तो बाल गोविंद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये उत्तोलक होते कितने प्रकार के? उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। तो प्रथम प्रकार के थोड़ा सा उसका हमें बताएं। प्रथम प्रकार उत्तोलक वो उत्तोलक होता है जिसमें बीच में आलंब होता है, एक तरफ आयास होता है, एक तरफ भार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बीच में जो है आलंब, ये आलंब होता है। तीन तरह के जो हमारे वर्गीकरण किया गया है तीन प्रकार के उत्तोलक का, उसमें जो बीच में है वो प्रथम प्रकार के, उसमें बीच में आपका आलंब होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलकों का आप उदाहरण बताएं। जैसे कैंची है, प्लास है, या कील उखाड़ने के लिए जो जोड़ी आती है। बिल्कुल वो बिल्कुल है। और ये सब चीजें बच्चों को हमें दिखाना पड़ेगा, चाहे कैंची हो, जैसे इसका उदाहरण हम ले, इसके देखिए इसमें स्पष्ट ये करना है कि कहाँ पर आयास है। आयास क्या है बच्चों को बताना है, जहां पर हम बल लगाते हैं वो हमारा आयास होता है, इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। आयास का मतलब जहां पर बल लगा रहे हैं, और आलम जहां पर उसको आधार मिला, ये बीच में ये जो चीज है आपकी, ये आधार है।
और ये जो जहां पर हमारा भार होता है या जहां पर कार्य करते हैं, ये भार आपका ये होता है। तो भार और आयास के बीच में आपका आलम हो गया। तो ये आपके प्रथम प्रकार के ये यंत्र हो जाते हैं। जी जी। और इसी प्रकार से कैंची भी है और इसका आप उदाहरण आसानी से अपने घरों में दे सकते हैं। और इसके साथ ही सुमनलता जी, आप दूसरे जो द्वितीय प्रकार के जो होते हैं, दूसरे उनके बारे में जानना चाहेंगे। जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक बच्चों को समझाने के लिए उन्हें बताएंगे कि जो भार होता है वो बीच में होता है और आलम, जी जी, दोनों किनारे में, आलम और भार आयास किनारे होगा और बीच में सरोता। इसमें देखिए बीच में हम भार रखते, जो सुपारी होती है हमारी वो बीच में होती है और एक तरफ आपका आलम होता है और एक तरफ आपका आयास होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे कि ये जो है आपका ओपनर है, हाँ, जो जिसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं। तो देखिए हम बल यानी कि आयास ये इस तरफ है आपका और ये जब आप ऐसे खोलते हैं तो आपका भार या ढक्कन यहाँ पर होता है और आलम इसको यहाँ से मिलता है। तो ये आपका द्वितीय प्रकार का हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है, बहुत छोटी सी चीज है जो आपके आसपास मिलती है और आपको अनुभव करा सकते हैं लेकिन उससे। और बालमुकुंद जी, मैं जानना चाहूंगा कि तृतीय प्रकार के कौन से हैं? तृतीय उत्तोलक वो होते हैं जो बीच में आयास होता है, एक तरफ भार हो गया एक तरफ आलम हो गया। जी, जैसे कि फिर जैसे ये हो गया है, चाकू है, चाकू कंघी है, चिमटी है। आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये तृतीय प्रकार का क्यों है। इसमें देखिए आप जब आयास होता है यानी कि बल लगाते हैं वो बीच में लगाते हैं। जी जी। आपका जो कार्य होता है या भार जो होता है वो यहाँ से आपका होता है और आलम इसको यहाँ से होता है, पीछे से मिलता है। जी। तो आपका आयास बीच में है। बीच में। और इसी तरह से एक ये भी है, देखिए जो कांटा लगाने का है, इसमें इससे स्पष्ट अच्छी तरह से हो जाएगा आपको कि ये जब हमारा आलम ये है, आलम हो गया। हम बल या आयास यहाँ पर लगाते हैं और आपका जो भार होता है या कागज जो लगाते हैं वो साइड होता है। तो ये भी आपका तृतीय प्रकार का है। तो इस तरह से जो है हम उत्तोलकों का बच्चों को बता सकते हैं कि जो आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं वो कौन कौन से हैं, द्वितीय प्रकार के और तृतीय प्रकार के जो उत्तोलक हैं उनको हमें अनुभव कराना है और अनुभव से वो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा जो है किस प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या चीज होता है। क्योंकि एक बार आलम, भार और आयास, इन्हीं तीनों के बीच में होने के कारण उनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से हम यंत्रों की जानकारी दे सकते हैं। और इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि उत्तोलक के बाद में अगर हम बात करें कि पेच और नत तल जो होते हैं, जी जी, वो भी एक यंत्र का ही काम करते हैं। जैसे कि अगर इस पेच की बात करें हम, ये पेच जो है ये एक यंत्र का ही काम करता है। नत समतल का ये भी नत समतल की तरह काम करता है। यदि हम कागज को मोड़े हैं तो वो एक पेच के नुमाही कोण जैसा बन जाता है। आपने देखा होगा आगे नोक होती है और पीछे बड़ा होता है और उस पे कागज की आपको चूड़ियां दिखाई देती हैं। तो इस तरह से पेच भी एक आपका साधारण उत्तोलक यंत्र है। यह उत्तोलक के अंतर्गत नहीं, ये यंत्र के अंतर्गत ये आ जाएगा। और हमारा जो तल है वो भी एक यंत्र के रूप में काम करता है, सरल मशीन के रूप में काम करता है। जैसे कि यदि ये आपका ये यंत्र है, ये तल है आपका, अभी इसके ऊपर देखिए हमें तल ना हो तो अगर वस्तु है, हम ये मान लेते हैं, ये अगर तल नहीं है, अगर ये साधारण रूप से यहाँ पर रखी है तो इसमें गति नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। और अगर तल है तो ये अपने आप एक बल कार्य करने लगता है इसमें। तो देवसुदन जी, पेच और झुका तल को जी जी, जैसे कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जी इसमें स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं, दिक्कत आती है, तो वो इस माध्यम से हम समझा सकते हैं। हाँ जी, उसको कागज जो तल है, जब आप कागज को काट करके तिकोना काट करके और वो एक तल के रूप में कागज दिखाई देगा और उसका उसको मोड़ करके जब मोड़ देंगे तो वो एक पेच के रूप में बन जाएगा। तो एक झुका तल और पेच दोनों ही एक ही सिद्धांत पर लगभग कार्य करते हैं। तो इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बालमुकुंद जी, घिरनी जो होती है, घिरनी को भी आप आजकल वैसे गांव में बहुत, कुएं तो कम रह गए हैं, कुएं तो दिखाई नहीं देते, तो घिरनी को हम बहुत ही ज्यादा दिखा नहीं सकते, लेकिन हम छोटे से मॉडल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं चाहे तो। जैसे कि अगर हमने दो लकड़ी के बीच में इस तरह से यदि
हम इसका प्रयोग कर लें, तो ये एक तरह से अनुभव कराने की चीज है, बच्चों को अनुभव कराना है कि घिरनी से किस तरह से भार को उठाया जाता है। तो छोटे छोटे हम इस तरह के, चूंकि हमारे विद्यालय में धन आता है 500 रुपए टीएलएम के लिए आता है, तो छोटी छोटी चीजें तो हम बच्चों के लिए बना सकते हैं ताकि वो अनुभव कर सके। और देवसुदन जी, जितना भी अनुभव करते जाएंगे, प्रैक्टिकल जितना दिखाते जाएंगे, विज्ञान उतना ही समझ में आएगा उनको, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा। तो इसी प्रकार से पहिया है और धुरी है, इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो चीजें चल रही हैं। और इसके पश्चात आपको ये स्पष्ट करना है कि जो यंत्र हम प्रयोग करते हैं उसका आखिर लाभ क्या है। जी जी। तो उसको जो है भार और आयास, ये दोनों चीजें हैं, ये भार और आयास का जो अनुपात होता है उससे हम यांत्रिक लाभ को स्पष्ट करते हैं। तो इसको हम दिखा सकते हैं कि ये यांत्रिक लाभ जो है भार और बटे आयास के बराबर होता है। देवसुदन जी, आज आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जो कि बच्चे बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं हम सबके सराउंडिंग में रहती ही रहती हैं, और इन्हीं सब चीजों से उन्हें समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे वो। बिल्कुल सूर्य जी, आप बल और यंत्र के ऊपर आपने जो बताया, जो मतलब इसका मतलब बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा बच्चे जी, अनुभव, बच्चे कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि विज्ञान तो वो चीज है कि अनुभव से सीखा जाए। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बताया आपने कि कभी भूलेंगे नहीं बच्चे इसको। हाँ, तो इस प्रकार से जो शिक्षक बंधु आप लोग भी यदि इस प्रकार से अनुभव के द्वारा बच्चों को छोटी छोटी चीजों के द्वारा यदि बच्चों को पाठ सामग्री दें, बताएं, तो स्पष्ट रूप से बच्चों को लाभ होगा और वो उस चीज को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जी।